नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। नए साल के पहले ही दिन जम्मू कश्मीर से बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां नए साल के मौके पर वैष्णो देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। इसी दौरान देर रात करीब 2 बजे मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे की वजह वहां पर एकत्रित हुई भारी भीड़ को बताया जा रहा है। बता दें कि नव वर्ष के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। इस बार भी वहां भारी भीड़ में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। वहीं घटना के बाद प्रशासन मुस्तैद हुआ और फिर कुछ घंटों बाद भीड़ को काबू किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीएम राहत कोष और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि नए साल के मौके पर श्रद्धालु 12 बजे के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते थे। इस वजह से भवन के पास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और नीचे से आने वाले लोग भी वहीं रुक गए। कहा यह भी जा रहा है कि भीड़ में कुछ युवकों की एक दूसरे से झड़प हो गई, जिसके बाद वहां भगदड़ मची और 12 लोग मारे गए। वहीं जम्मू कश्मीर में कटरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाल दत्त ने बताया कि माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हुई है और घायलों को नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि मृतकों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोग शामिल हैं। जो स्टैम्पीड भवन के एरिया में रात को हुआ, तो उसमें टोटल कोई 12 कैजुअल्टीज हुई हैं, तो उसमें से 3 डेड बॉडीज अभी अभी हमारे पास पहुंची हैं। 9 पहले की आ गई थी, 3 अभी अभी पहुंची हैं। तो बाकी जो इंजर्ड लोग थे वो श्राइन बोर्ड द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको नारायण हॉस्पिटल में कुछ को शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ अभी शिफ्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूँ। शोक में डूबे परिवारों की प्रति संवेदना, घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। सबसे पहले तो मैं माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूँ। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई है। राहत के काम का, घायल के उपचारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से हादसे को लेकर बातचीत की है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर शोक जताते हुए ट्वीट करके कहा कि इस दुखद दुर्घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। मैंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों के इलाज का खर्च श्राइन बोर्ड उठाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, उन्हें घटना की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ से हुई जनहानि से गहरा दुख हुआ है। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना और घायलों के लिए प्रार्थना। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी वैष्णो देवी हादसे पर शोक व्यक्त किया है। इस नव वर्ष के पहले दिन जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के दौरान जो वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है, वह बड़ी संख्या में लोग वहाँ बुरी तरीके से घायल भी हो गए हैं। ये अति दुखद घटना है। कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस दुख को सहन करने की पीड़ित परिवारों को हिम्मत व हौसला जरूर दे। लेकिन इस घटना को लेकर अति दुख इस बात का भी है कि अभी तक मीडिया के माध्यम से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, तो उसमें सरकार की ज़्यादा लापरवाही हमें नज़र आ रही है। सरकार इस पर ज़रूर गंभीरता से चिंतन करे
ताकि भविष्य में ऐसी घटना की कभी भी पुनरावृत्ति ना हो सके। अब इस हादसे के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जांच कमेटी बिठा दी है, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि वैष्णो देवी मंदिर परिसर में ये हादसा कैसे हुआ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।